मांगने के दिन ही मेरी शादी टूट गई थी। एक लड़का था, वो गवर्नमेंट टीचर था, उसके साथ शादी फिक्स कर ली थी मेरे घर वालों ने। वही रिश्ता 3 साल से चल रहा था, लेकिन मैं मना कर रही थी। एक तो मुझे टीचर पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक तो जॉब करते हैं, साइड में खेती बाड़ी देखते हैं, वो दुकान वगैरह देखते हैं, इसी हिसाब से जो हाउस हेल्प होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं थी वो जॉब। और ऊपर से उसका सैलरी 5,000 था। मैं बोली 5,000 से मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर वाले भी उनको भी पसंद नहीं था, वो ऐसे करके वो रिश्ता खारिज हो रहा था। 3 साल बाद वो रिश्ता फिर से आ गया, क्योंकि वो हाथ से सारा रिश्ता निकल गया था। जो हाई फाई थे वो मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, जो थोड़ा कम थे मैं उनको रिजेक्ट कर रही थी। ऐसे करते करते सारा रिश्ता चला गया, फिर से वही रिश्ता आ गया। आने के बाद मेरा छोटा भाई बोला, चलो ठीक है, कुछ दिन मैनेज करो, जब तक उसका पैसा डबल नहीं हो जाता मैं मंथली तुमको 5,000 दूंगा, तुम बस हाँ कर दो। मुझे मालूम था ऐसे सब बोलते हैं, लेकिन अगर उनको तकलीफ होगी मैं तो नहीं बोल पाऊँगी। तुमको तुम बोले थे मतलब तुम बाउंड है, तुमको देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन ये भी तो लिगाड़ भी तो नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना शादी। फिर सब लोगों ने समझाया, बोले एक बार देख लो, बोलते इतना साल उसका गया, 1-2 साल में उसका हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका सैलरी, तुम थोड़ा धीरज रखो, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वो उसका पापा आया देखने के लिए, लड़का का जो पापा था वो देखने के लिए आके बोले, हम घर में गार्डियन है, मेरा लड़का नहीं आएगा देखने के लिए, मैं ही फर्स्ट लास्ट हूँ, मुझे लड़की पसंद है। मेरे घर वाले बोले, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम अगर घर में गार्डियन हो बेटा को एक बार भेज दो, फॉर्मेलिटी मेंटेन कर ले, वो हाँ बोल के जाएगा। बाद में बोलेगा लड़की ऐसी है वैसी, हम ऐसे सोच रहे थे वैसे सोच रहे थे, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गया, हमको ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए, तुम लड़के को भेज दो। वो किसी भी सूरत पर राजी नहीं हो रहे थे कि उनको लड़का को भेजने के लिए। मेरे भैया बोल दे डायरेक्ट, वो लड़का नहीं आएगा तो शादी हम इधर नहीं करेंगे, आप दूसरा रिश्ता देख लीजिए। फिर क्या बोले, उनका लड़का को समझा के वो एक दिन लेके आए। लड़का देखने के लिए आया, वो आप आंखें बंद करेंगे ना, वो लड़की बात करे या वो लड़का बात करे आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब उसका आवाज़ ऐसी थी। और वो गेटअप ऐसे आप देखेंगे तो, अगर अभी मैं अपनी मम्मी को जीन्स पहना के लेके आऊँगी तो कैसे उनको सूट होगा, नहीं होगा, ऐसे लग रहा था जैसे वो मांग के पहन के लाया। मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसे ही दिख रहा था, मुझे किसी भी एंगल से वो पसंद नहीं था वो लड़का। फिर भी वो लड़का बोल रहा, हाँ पसंद है, उसका पापा के साथ आते दोनों बोल दिए। वो उसका पापा बोले, तुम्हारे शर्ट से चलो हमारे घर को देखने के लिए, सब लोग को लेके जाओ खाने के लिए, फाइनल हो गया रिश्ता, ये देना है, वो देना है, हमारे साइड से हम मामूली से शादी करेंगे। मेरे दो भाई बोले, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर में पहली शादी, हम धूमधाम से करेंगे शादी, हम मामूली से शादी नहीं करेंगे। तो किसी भी एंगल से राजी नहीं हो रहा था उसका पापा। बोले इतना पैसा खर्चा करोगे, वही पैसा लड़की को दे दोगे तो काम भी चल जाएगा, उसके काम में आएगा, वो पैसा खर्चा मत करो। मेरे भैया वाले, पैसा जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम ऐसे मामूली से शादी नहीं करेंगे। ऐसे करके वो फिर क्या हुआ, वो बोले ठीक है, हमारे मंगनी करो, हमारे साइड से 2-3 आदमी आएंगे, तुम्हारे साइड से जितना बुलाना है बुला लो, हम फालतू में अपने साइड से नहीं बुलाएंगे, शादी में बुलाएंगे। मेरे भैया बोला, चलो ठीक है, अगर आपकी साइड में कोई नहीं आएंगे तो हम हमारी साइड से 100 लोग को इन्वाइट करेंगे। वो उस दिन मंगनी में 100 लोग को इन्वाइट किए थे मेरे भैया ने, मटन वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज किया था। इसे जब आने के टाइम हो गया तो मेरा छोटा भाई का एक फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया मेरा छोटा भाई को, बोले दीदी का शादी फिक्स हो गया क्या? बोले हाँ, बोले उसी गाँव में उसी लड़के के साथ, बोले हाँ। बोले तुम एक बार मुझे पूछो नहीं, मेरा भाई बोला क्या हो गया? वो लड़का अच्छा नहीं है, वो जिस स्कूल में टीचर है ना, स्कूल का नाम लिया, वो स्कूल का एक लेडीज़ का नाम लिया, वही वो विधवा है, उसके साथ उसका चक्कर है, तुम उधर रिश्ता तोड़ दो। मेरा भैया सुनकर उसका मतलब दिमाग हिल गया। फिर बोला ये क्या बोल रही, सच है झूठे? तुम एक बार कंफर्म कर लो, यही सच है, मंगनी हुआ नहीं अभी, तुम कंफर्म कर लो, रिश्ता इधर तोड़ दो। मेरा भाई ने फ़ोन करके उसके लड़का को पापा को फ़ोन किया, मैंने कहने के जब यही बात बोला, वो ऐसा ऐसे ना बोल के वो फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा मेरा फोन भाई ने फ़ोन किया, वो मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा था, सबका नंबर ट्राई किया, सबका नंबर स्विच ऑफ दिखा रहा था। मेरा बड़ा भाई को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे वो बोले तुम एक काम करो, 2 4 व्हीलर कर देती हूँ मैं, तुम लेके गांव वाले को लेके उनके घर को जाओ, वो क्या सच्चाई पता करके लेकर आओ। वो उसके बाद मेरा छोटा भाई सारे गांव वालों को लेके गया, सारे गांव वालों को नहीं, जो अच्छे खासे लोग थे उनको लेके गए दो बाड़ी में, और बाइक ही 10-15 बाइक ही लेके उनका फ्रेंड को लेके गए। जाके देखे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ है, घर में कोई नहीं, फ़ोन करते उठाते नहीं कोई, तब मालूम पड़ गया, सब लोग श्योर हो गए, मतलब यही सच्चाई है।
वो उस दिन हमारे मेहमान तो सारे आ चुके थे हमारी तरफ से, जो ब्राह्मण थे, वो ज्योतिष, हमारे सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान सब आ चुके थे। तो सब कुछ खाना भी बन चुका था। मेरी मम्मी का हालत बेहाल हो रही थी, रो रो के। सब लोग इधर आए, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, सब ऐसे मतलब हालत सबका खराब हो रहा था। सब लोग आ रहे थे, मैं देख रही थी वो खाना वेस्ट हो जाएगा। मैंने सबको बिठाया, आप लोग बैठ जाइए, वो खाना तो ऑलरेडी बन गया है, जो होना है हो गया, आप खाना खा के जाइए। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे मानो मैं जंगल से के अजीब सा जानवर जैसे जैसे आता है ना, जैसे देखते हैं सारे लोग, ऐसे मुझे देख रहे थे। मेरे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। मैंने सबको खाना खिलाया, सब लोग खाना ऐसे खा रहे थे, मुझे देख रहे थे, खा रहे थे। मैंने बोले बोले हमको खराब लग रहा है खाना खाने के लिए, रिश्ता तो नहीं हुआ। मैंने रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, खाना तो बन गया, वेस्ट तो हो जाएगा। वो रिश्ता नहीं हुआ था हम क्या भूखे मर जाएंगे, आज नहीं तो कल तो हम खाना तो खाएंगे ना। दुख हुआ तो क्या, आप लोग इधर से जाएंगे तो खाली पेट, तो घर में तो ऑब्वियसली खाएंगे ना, भूखे थोड़ी ना मरेंगे। तो इससे तो अच्छा है यही खाना आप खा लो, खा के जाइए। हमने सबको खाना खिलाया, खा के सब लोग चले गए। मैं वही सोच रही थी यार, अगर रिश्ता एक दिन पहले टूट जाता तो, अगर सुबह टूट जाता तो, अगर मैं सजने धजने से पहले अगर टूट जाता तो कितना अच्छा होता। ये इतना ड्रामा होने के बाद क्यों टूटा, इतने मेहमान आने के बाद क्यों टूटा, भगवान पत्नी इतना बेइज्जत क्यों करते हैं, यही सोच सोच के मेरे घर वाले भी रो रहे थे। बोले हमारे साथ भगवान ऐसे क्यों कर रहे, ऐसे बोल के वो रो रहे थे। सबका हालत मतलब बेहाल हो रहा था। बाद में उनको समझ में आया, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। अगर वही हालात शादी के बाद होता, मंगनी के बाद होता तो कैसा होता मेरे साथ, मेरे आगे का जिंदगी कैसे करता। अगर सच होता वही, अगर सच में वो उसके साथ वो शादी कर लेता, शादी करने के बाद मुझसे, तो मेरा ज़िंदगी कैसे करता। इसलिए ना खुद को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे आपसे जो ज़्यादा दिमाग वाला है ना वो ऊपर बैठा है, आपके लिए जो सही है ना वो करके दिखाता है। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको आराम से अपने ज़िंदगी जैसे चलना है ना उसके साथ चलना है। बाकी जो होना है ना वो भगवान ही करेंगे। आपके दिमाग जहाँ काम करना बंद कर देता है ना, तो ऊपर वाला उसका दिमाग चलाकर काम करता है। तो चुपचाप के बैठना है, जिसे भगवान वो जिस राह में आपको लेके जा रहे हैं ना वही राह पे चलना है।